परम पूज्य महाराष्ट्र के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। सर्वप्रथम जिज्ञासा है एक साधक की, महाराज श्री ज्ञान के साधनों में अमानित्व आदि गुण, अहंकार का अभाव और वैराग्य का क्या तात्पर्य? बात तो इतनी साफ साफ कही है, तत्व तो जानने का नहीं है। हमने कहा मिथिला स्वामी जी ने और आपने पूछा इसका क्या तात्पर्य है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने के लिए ये देखना पड़ता है कि वो कैसा है। परमात्मा हमारे मां एक तोला एक स्विस्ट है, एक किलो एक क्विंटल एक मास है, तो परमात्मा में मान जो है कितने क्विंटल का परमात्मा में करना है। आपने अच्छा कितने गज का कितने किलोमीटर का करना मान लेने सर, उसकी उम्र कितनी है, एक हजार हजार वर्ष मान परमात्मा ने। अब देखो तात्पर्य, जब मान से देखना है और तुम अपना मान रखो तुम तो रहोगे देवन के सारे दिन हाथ के और सौ पचास वर्ष के हो, तुम्हारे अंदर तो नौ मान निकल आए साढ़े तीन आठ सौ पचास वर्ष डेढ़ मान। तो ये अपना मान लेकर के माप लेकर के तौल लेकर जो अमान से मिलना चाहे वो कैसे मिलेगा? अपना मान छोड़ो और परमात्मा ये है उसमें अमान। जिसका मान नहीं है वो हुआ अमान, अमान का हुआ अमानी और अमानी का हुआ अमान। तो मान मानी और मानित इन तीनों का जब त्याग हो गया तब हम परमात्मा से एक हो सकते। इससे अमानित रूप साधन का अभिप्राय ये है मान को तोड़ गया। हम सखी होते मिलेंगे, सखा होते मिलेंगे, मान को सुंदर ही रहेगा। यहाँ जिस परमात्मा की प्राप्ति का कथन है अनादिवत परम ब्रह्मा उस सबसे विलक्षण परमात्मा या जिसको सत असत दोनों सबसे निकाल जाता ऐसा परमात्मा उससे मिलना है। मैं बौद्धिक जीवन कभी कभी किनारे कहती सब ही मानव्रत आप अमानी विष्णु सहस्त्र नाम भगवान का नाम है अमानी मानो अमानी है। भगवान स्वयं अमानी है, दूसरों को काम देते हैं इसलिए मान्य। त्रिभु में आके देते हुए भगवान की छाती पर वो लात मारी, कोई तकलीफ ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ होने की बात कुछ हो है मां होगा तो तकलीफ होती क्या हुआ बैठ के महाराज अपराध हुआ आप आए हो मैं ढीला रह गया राजधानी अपराधी में और आपके सुकुमार चरण को मेरे कठोर दर्शन का लग गया होगा स्वयं मान नहीं किया। अब दुनिया में मानने कौन होता है?
मान वही होता है जो अपने लिए मान नहीं चाहता, दूसरे को मान देता है, वही सृष्टि में मान होता है। भगवान ऐसे अब ऐसे है भगवान, तो उनसे मिलने के लिए और शांत चौकट के साथ जा रहे हैं, बड़े विद्वान हैं और प्रजापति हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े साधक हैं, तो मान लेकर जाएंगे तो अहान भेद होंगे। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान साधन क्या है, अमान। अच्छा, जहाँ मान होता है बुलवाने के लिए, अपने मान का सम्मान लेने के लिए संस्कृत भाषा का चार अक्षर भी जाने और बड़ा दृढ़ संस्कृत बोलते जा रहे हैं। तो कोई पंडित होगा तो प्रदेश लोग में पकड़ लेगा कि इनका उच्चारण ठीक नहीं है, ये असर तम करते हैं, पंडित नहीं है तम करते हैं, बड़े पंडित हैं और तम का टोला बन के भगवान के सामने कोई नहीं जाता। तम माने अपने को जागृत कर, अपनी जाति विद्या बुद्धि संपदा उसमें तम नहीं करता, परमात्मा के ज्ञान के मार्ग में दम है। ज्ञान सच्चाई का है और दम बनावट का है, इसलिए बनावट सच्चाई के साथ नहीं मिल सकती है। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज, कभी कागज के बोलो से, दम अपने से छोटों के सामने बना थोड़े चल रहे, परंतु माया तत्व ने कर्तव्य, माया कैसे निर्मिता, अपने बड़े के सामने बंद नहीं करना, तो चलते ही नहीं है बिल्कुल। जब पहले पहल से गाड़ी आई थी तो कहते हैं गाँव में एक आदमी आया और उसने रेलगाड़ी का वर्णन शुरू किया, रेलगाड़ी ऐसी होती है, ऐसी चलती है, ऐसी क्लास होते हैं, ऐसे आदमी होती है। वर्णन करते करते एक आदमी वहां जानकार समझ गया कि उसने रेलगाड़ी देखी है, ऐसी वर्णन कर, तो उसने पूछा क्या भाई रेलगाड़ी में तीन क्लास होते हैं, तीन हो सके फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास तो होते ही है, लेकिन उनका किराया अलग अलग लगता है, ज्यादा कम लगता है ज्यादा कम तो लगता है, तो बोले कितने ज्यादा किराया देता होगा वो जल्दी पहुंचता होगा और जो कम किराया देता होगा देर से पहुंचता होगा। हाथ हो तो है हमारा खुल गई गले। तम करके एक कहानी है, बहुत पुराने ग्रंथ में, हजारों वर्ष पुराने कश्मीरी शरीरों के ग्रंथ, उसको फिर अब से 500-700 वर्ष पहले कृष्णानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा प्रबोधक, उसने उसको प्रदान किया। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और एक सज्जन उसमें प्रभारे कपड़ा भी अपना करने हुए और फिलहाल हुआ कोई कपड़ा नहीं, यज्ञों को भी और चंदन सारे शरीर में लगा हुआ और कुछ से जल छिड़कते हुए और पवित्र पवित्र हुआ ब्रह्मा जी की सभा में आए, देख के सब लोग खड़े हो गए, वो कहीं बैठे ही नहीं, ऐसा लगे कि सब आसन पर कोई न कोई बैठ चुका है, अब तो ऐसे आसन पर बैठेंगे जिस पर कोई न बैठा हो,
pavitrata ca un om, urmează din Canada, mare turne, adică și nu vei să ne convertea, poți ne pus pe zelele de vreo mare o pavitra pe pentru părbara asta. Vezi, cât rămâne cu o stâmpă ca Marizu spas necălțile, o tătăr de mâni, Marizile, și mi se poate. E sa, gândi, o locu. Rămâne ca ai om de botu acolo. Lătăcte, de la de impactă oameni. Dar e plisat, da, cu intene de notă ca hata. O bolă plisat, nu mă dra, ea, मद्रास में छाया छू जाने से लोग स्नान कर सकते हैं तो मैं तो मद्रास गया तो ये जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊंचा बताने के लिए और अपने अंदर क्या क्या सिफत है क्या क्या विशेष है क्या विशेष है और वो दिखाने के लिए जो काम किया जाता है वो सब सब हो जाता है तो देखो परमात्मा में जो माया है वो माया न रहे हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को देखें तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप देखना चाहते हैं कि माया न हो परमात्मा में ऐसा देखें और स्वयं माया करके उसके सामने जाना चाहते हैं दुनिया लागे राहुली माया क्या राउड माया ये थी यहाँ लागे राउड माया कराव करान को कोट उपाया यहाँ लागे राउड माया तो भगवान में इच्छा माया नहीं करती है ये सब माया उपासनाए नशे धोते उपासनाए में जो पराता है और नट जो बदाने में और धूप में और ब्राह्मण वैष्णवे ब्राह्मण में वैष्णव में माया तत्व में कर्तव्य माया त्रिदेव दर्शन माया संभे कृपाया और इनके साथ माया नहीं रखनी चाहिए दम नहीं करना चाहिए क्योंकि माया बनाई इन लोगों ने इन लोगों की जो ये सारा क्रियाकलाप है वो माया में है तो माया के आधार में उनके सामने वाला माया क्या चलेगी तो ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को परमात्मा से कुछ मिलता जुलता बनाना पड़ता है दूध में मिलने के लिए शुद्ध जल चाहिए ना गंदा जल मिलाओगे तो पहचान में आ जाएगा कि गंदा जल है इसलिए परमात्मा में मिलाने के लिए अपने को जो शुद्ध करके चलते हैं ना इसी का नाम है साधना अब उसका तात्पर्य क्या है तो तात्पर्य यही है कि आपका अंतकरण शुद्ध हो जाए और शुद्ध अंतकरण से शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभी आपने आया कि परमात्मा का स्वरूप सद सत्य विलक्षण है तो सद के प्रकार से तो परमात्मा का ज्ञान होता है तो सद से विलक्षण का उसका क्या हेतु असत्य तो विलक्षण है लेकिन सत्य विलक्षण है एक सत्य ऐसा देखने में आता है जो खड़ा सत्य है कपड़ा सत्य है मकान सत्य है इसी चीज में मिला के सत्य को सत्य और एक सत्य है जो कल्पना में है स्वर्ग है जिसको कभी देखा नहीं है उसको भी सत्य बना और एक सत्य है जो जिसको कहते हैं व्यापक है अविनाशी है सर्व है और ये सब न तो किसी को व्यापक दिखाई पड़ता व्यापक को कोई देख नहीं सकता क्योंकि वो तो कितना बड़ा बहुत ही व्यापक है नित्य को भी कोई देख नहीं सकता
व्यापक देखा जा सकता न नित्य देखा जा सकता न निराकार देखा जा सकता। वेदांत दूर से दूर बात आपको सुना रहे अपने से अलग जो नित्य है, अपने से अलग जो व्यापक है, अपने से अलग जो निराकार है, वो कल्पना मात्र है, क्योंकि उसका साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। जो आत्मस्वरूप होगा वही नित्य होगा, क्योंकि वो काल को ही देखेगा। जो आत्मस्वरूप होगा वही व्यापक होगा, वो दूसरे में व्यापकता देखेगा तो झूठी होगी। जो अद्वितीय जो आत्मा होगा वही अद्वितीय होगा, दूसरा नहीं। इसलिए दुनिया में व्यवहार में हम जिसको सत असत कह रहे हैं वो तो अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति ये दोनों कड़ा है कड़ा नहीं है की तरह कल्पना में होगा। ये कल्पना जिस अंतकरण में उछली है उसका जो साक्षी है वही नित्य हो सकता है, वही ही चेतन हो सकता है, वही व्यापक हो सकता है, वही निराकार हो सकता है। अपने आत्मा से अलग जो चीज है वो न तो निराकार हो सकती क्योंकि कल्पित है तो झूठी है, अपने से अलग है तो साकार है, हमसे अलग होगी तो साकार होगी दिखाई पड़ेगी और अलग नहीं होगी तो कल्पित होगी। और व्यापकता कितनी लंबी चौड़ी होगी कभी किसी को दिखेगी नहीं। तो महाराज ये जो परमात्मा है जिसको गीता में एक जगह तो कहा सदसच्चा मैं ही सत्य मैं ही असत्य, घड़ा भी मैं ही हूँ, घड़ा का न होना भी मैं, हमारे जन्म भी मैं ही हूँ, मरण भी मैं ही। एक जगह कह दिया सदसत तत्परज सत भी वही असत भी वही दोनों से परे। एक जगह कह दिया न सत करना सदस्य उसको न सत कह सकते और न तो असत कह सकते, माने सत और असत दोनों से विलक्षण है। परमात्मा वो है जो कभी झूठा नहीं हुआ, जो जीव पर आता है वो झूठा हो जाता है। परमात्मा वो है सब जाना प्रभु प्रभु का सोई सब जानते हैं कि परमात्मा झूठा नहीं हो सकता, लेकिन सब लोग जो है वो इतनी लालच उनके मन में रहती है करने की, जैसे छोटे छोटे बच्चों में अपने से छोटे को समझाने के लिए इतना गौरव होता है, 5 वर्ष का बच्चा जब 4 वर्ष के बच्चे को समझाने रखता है ऐसे चलो ऐसे देखो ऐसे हाथ धो ऐसे खाओ तो उसके मन में अपना बड़पन कितना आता है। इसी तरह से महाराज समझाने का जो बड़पन है वो भी बहुत सुरक्षित है, एक बहन का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की शुद्धता को अनिवार्य बताया, पर गीता में भगवान श्री कृष्ण के संदेश में इस पर बल नहीं प्रतीत होता है। कृपया यह बताएं कि गलत साधनों से शुभ कार्यों की सिद्धि कैसे संभव। ये भगवान आप गलत साधन करके और उत्तम साध्य प्राप्त करने का संकल्प छोड़ते हैं। पहली बात सुनते हैं कि जब जारशाही थी रूस में तो वहां एक पंथ ऐसा चला था कि पाप करो तो ईश्वर मिलेगा, उनको नाम किताब मैंने पहले पढ़ी थी और महात्मा गांधी के समय में पाप करो तो ईश्वर मिलेगा। वो जानकारी जब खत्म हुई तो उन सज्जन का भी
और उनके संत का भी सत्य नाश हो जाएगा। तो अशुद्ध साधन से शुद्ध साधन की प्राप्ति। अब देखो आपको गीता की बात बुद्धिया शुद्ध या युक्तो ये अशुद्ध है नित्यात्मानी विषया त्यक्वा राग द्वेष विदत्त विविध सेवी अश्वासी यत वाक्काय मानस योग नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलदर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतत्व सन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते तदां भक्त्या माम जानाति यावान् यस्यास्म तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदसुन्दरम्। आपको लगता है कि शुद्ध साधन की प्राप्ति के लिए शुद्ध साधन पर जोर गीता का नहीं है, ऐसा लगता है? देखो तो मन मना हो तो मन यादी मनस्तु मामे वैश्यति, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ये क्या अशुद्ध लगता है? न आप जहां भी देखेंगे भगवत प्राप्ति के लिए जितने के साधन है मत चित्ता मध्य तक प्राणा वो देन तक परस्परम कटयंत नित्यम पुष्यंति चरमंति चेषाम सतत प्रदता प्रीति पूर्वक सदा युक्तम तम ये जना प्रजान कृते तेषा देवात्म कर्तव्य भगवान की कृपा होती है जिनका साधन शुद्ध होता है। ये बात अलग कि यदि किसी का जीवन अशुद्ध हो गया तो उसको क्या भगवान कभी लेंगे ही नहीं, और उसके लिए भी ईश्वर का दरवाजा बंद है क्योंकि ईश्वर करके आत्मा है अपने हृदय को मिला अपने को घर है तब उसके लिए आप इसे चिंता भी भगवान का हृदय कर सकता है, कसाई भी भगवान का हृदय कर सकता है और भजन करते करते उसका कसाई बना उसका चिंता बना घट जाएगा, भगवान का नाम देगा सारे दोष छूट जाएंगे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी से ज्ञान रूप कर्मशाम पहले ज्ञान से कर्मश निर्धन होगा अशुद्धि पहले दूर होगी फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए ये है कि गीता में किसी के लिए परमात्मा का द्वार बंद नहीं है, जो चलेगा परमात्मा की ओर कोट विप्र बदला के जब आए सदन प्रजम ऐसा है जो मेरे सामने आ जाएगा उसका कल्याण होगा। तो सामने आवे तो सामने आवे मोरे सर्व आओ की सोई जो जो पे दुष्ट है जो पे दुष्ट हृदय सो होई मोरे सर्व आओ की सोई। अशुद्ध साधन करके और शुद्ध साध्य की प्राप्ति करना यही उचित है। महात्मा गांधी ने सब शास्त्रों का जो सार है वही कहा है। हमने गांधी जी का अनाशक्ति योग में कि आप कथा भी पढ़े इसके नीचे भी कई गलत मैं गांधी जी से मिलने के लिए उनका दर्शन करने के लिए तथा गया और साबरमती आश्रम में गया। ये कट्टर कंपनी लोगों के पक्ष में
पंडितों के बीच में तो आजकल कोई महात्मा गांधी कह दे तो बोले तुम गांधी को महात्मा बोलते हो, तो बुरा लेकिन तो चुटकी मारने से लेकर उनका नाम नहीं लिखता वो अपने देखो महात्मा गांधी की बात बिल्कुल सच्ची है और विनोबा जी जो है वो उनसे मिलते जुलते ही है और गीता का सिद्धांत यही है कि पवित्र हृदय से भगवान की ओर करना चाहिए। ऐसे तो स्कूल में जो प्रश्न आते हैं परीक्षा के समय आपके संबंध में क्या रहता है, नाम किसका है, नाम कैसे लेना चाहिए, नाम लेने से क्या होता है, जो आप नाम के बारे में चाहते हो आपके मुखार से महाराज ऐसा है बहुत से लोग कहते हैं कि उपनिषदों में चर्चा नहीं है, वेदों में चर्चा नहीं है, राम नाम अलग द्वारा पुष्टि हो गई है। आज लोग सब सुनने में आ जाना तो सामान्य प्रश्न आप हर पद का नक्शा आपको ये नहीं कि सारे हिंदुस्तान का पूरा इतिहास सुनाइए, आगे का भविष्य सुनाइए, देखो नाम ऐसा है, एक होता है जड़ का नाम, जैसे मेज है कुर्सी है वो भी नाम है, और एक होता है चेतन का नाम, जैसे राम है कृष्ण है चेतन का नाम, का नाम लेकर पुकारेंगे तो थोड़ा अपना पास उठाएंगे, खड़े के साथ जाना पड़ेगा, उसको काट के ठीक देखना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब बुरा जड़ अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, चाहे तुम कितना पुकारो, और चेतन का नाम लेकर जब पुकारेंगे तो चेतन उसको सुनेगा, वो मोहन आओ जो जीव का नाम लेकर पुकारते हैं तो सुनता है और अब जीव बाहर होता है, लेकिन जो भगवान का नाम होता है न तो जड़ की तरफ न सुनने वाला बहरा होता है, जड़ तो बहरा होता है सुनते ही नहीं है, और जीव सुनता है तो वो दूर रहता है बाहर रहता है, पुकारने पर उसकी मर्जी हो तो आवे और न सुनने आवे, लेकिन ईश्वर तो वहां रहता है जहां से नाम लिया जाता है, तो ईश्वर को न कहीं आना पड़ता है न कहीं जाना पड़ता है, और जब नाम लेते हैं तो नाम लेने की शक्ति में भी ईश्वर है और जो नाम लिया गया उसमें भी ईश्वर है, जितने आवेश से भगवान का नाम लिया जाए माने हम उसमें जितने तन्मय हो जाएंगे, हमारी आत्मा जितनी नाम के साथ मिल जाएगी उतने ही नाम अपना करिश्मा दिखाने लगेगा। जब तक नाम में संस्कृत भाषा का शब्द है अभिनिविष्ट उसमें मशहूर नहीं हो जाएंगे डूब नहीं जाएंगे तब तक नाम अपना करिश्मा
चमत्कार अपना जादू अपने नाम तब तक नहीं दिखावेगा जब तक हम इतने न डूब जाए कि अपने को भूल जाए और नाम ही नाम रहे। तो असल में हमारी आत्मा के रूप में ईश्वर है, वो जीव में आता है और जीव में शब्द का उच्चार होता है। तो जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तब एक क्षण में ही नाम अपना चाहते हैं और वैसे भगवान का नाम तो बड़ा प्रभाव समझे। भाव भाव है खालक रूप नाम जगत मंगल नाम देख तो सुखाई बारे का नाम जात भाव। अब देखो एक नाम तुम उसको कृष्ण कृष्ण बोलो नारायण नारायण इससे बात जब तुम नाम लेते हो तो ये भगवान का नाम है ऐसा समझकर भगवान का नाम लेते हो। तो पहली तो समझ हुई कि ये भगवान का नाम है, दूसरे ये दो तोले वाली जीव जो है मानस की बनी हुई ये चलने लगी तो अन्नमय कोष नाम लेने में लग गया। अब बारंबार नाम लेने की क्रिया होने लगी तो यदि प्राण उसमें नहीं लगेंगे तो बारंबार जीव मिलेगी कैसे। अच्छा इच्छा नहीं होगी तो बारंबार नाम लेंगे कैसे, और नाम लेने में अपना भाव नहीं होगा बुद्धि नहीं होगी तो नाम लेंगे कैसे, और नाम लेने का मजा तो आता ही है। तो हम कहते हैं कि भाई देखो मुन्नो छठ तुमने अपने घर के मुन्नो पप्पू का याद आ जाएगी और एक उसका सुख हो जाएगा। भगवान का नाम लेने में सुख होता है, वनमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांचों कोष लग गए राम राम राम। अब देखो एकाग्रता राम और माँ बोलने के बीच में कुछ खोपर है क्या, शायद इधर के लोग खोपर न समझते हैं, हमारे गांव की बोली में देखो कैसे लोग बनाते हैं माने राम फिर माँ, तो राम और माँ के बीच में खाली जगह है क्या, जैसे लिखने में राम और माँ के बीच में खाली जगह रहती वैसे बोलने में भी राम और माँ के बीच में थोड़ा खाली सा समय है, कागज पर जगह रहेगी और बोलने में समय रहेगा टाइम होगा। राम का एक टाइम और माँ का दूसरा टाइम। अब राम और माँ के बीच में दूसरा कोई ख्याल नहीं होगा तो वो समाधि हो गई। अब उसको जरा लंबा करो एक सेकंड दो सेकंड बीच में तुम्हारा मन समाधि में चला जाता है। अब उधर से भगवान भी कुछ करते हैं कि नहीं, भगवान को खाली जगह की जरूरत है, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ बड़ा बड़ा होता है, धन है स्त्री है पुत्र है दुश्मन है दोस्त है, जब तक हम बोलते रहते हैं तब तक भगवान चुप रहते हैं। किसी भी बड़े आदमी के सामने जाकर तुम बोलते रहो तो वो चुप रहेगा, वो ज्यादा कहा कि बोलो, जब तुम बोल के चुप करोगे तब तुमसे बात करना शुरू। तो हमारा मन जब तक ये वो ऐसा वैसा यहाँ अब तब सोचता रहता है तब तक भगवान कहते हैं भाई इसका मन बिजी है,
विधि भाव संस्कृति है, तो इसी से वेग शब्द, उद्विग्न शब्द, उद्विग्न शब्द भी इसी। किसी के घर में गए हो और वहाँ पति पत्नी दोनों लड़ गए थे, तो दरवाजे पर से सुना और लौट के आए भाई तुम्हें दोनों लड़ गए, तो जब तुम्हारा मन ऐसे काम में लगा रहता है कि भगवान हमें तदुन की ओर से देखे, का उपयोग करते हैं वो हाथी से हल जुटवाने के बराबर है, अविष्ट हो जाओ जैसे कोई फूल में मिला दे। नाम न मोबाई भगवान जी के शब्द के श्लोक की व्याख्या जरा सुनना चाहता हूँ। सुनिए भगत जी, ये चैतन्य महाप्रभु का श्लोक नामनाकारिता नियमित स्मरणे न कलतादृशी सर्वकृपा भगवन महावी दुर्दैवृश भगवान ने देखा कि लोग बहुत हैं, जीव तो बहुत हैं, तो किसी की रुचि किसी नाम में होगी किसी को हमारे सामने राधे श्याम लोग आगे लोग और उनकी दिलचस्पी अलग अलग नाम है, तो भगवान ने कहा लगा तुम्हें राम अच्छा लगे तो राम बोलो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तो कृष्ण बोलो, नारायण अच्छा बोलो, तो यहाँ पर बोलते हैं नाम राम सकल नामन से अंधकार। नारद जी ने भगवान राम का से ये वरदान दिया कि सब नामों से बड़ा राम का नाम है, और सहस्त्र नाम का तुल्य सहस्त्र नाम का तुल्य राम पराण है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और एक बार राम बोलो बराबर। चैतन्य महाप्रभु वालों ने कहा कि नहीं, राम नाम सहस्त्राणाम दबे नहीं बदल सकता, 1000 बार राम राम कहने चले 3000 बार आपका जो फल होता है वो एक बार कृष्ण नाम कहने से होता है। अरे बाबा बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ये श्लोक चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, चैतन्य महाप्रभु का इसकी टीका में किसी ने कहा अरे राम कृष्ण की चीज तो होगा नारायण का नाम लो रामायण का जिस नामा आप से उद्धार हो गया, बेटे को बुलाया नारायण कहकर और उसका कल्याण हो गया तो नारायण। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो अब हमको कोई पंचायत गवर्नमेंट की मौका पड़ा है, हमारे बहुत से नाम हैं, नाम नाम कार्य बहुत तरह तरह के नाम, जन्म मूलक नाम वसुदेव नंदन नंद नंदन दशरथ नंदन अदिति नंदन कश्यप नंदन बहुत सारे नाम, दक्षिण में एक नाम है भगवान का स्तंभ नंदन खंबे के बेटे काष्ठपुत्र, दर्शन भगवान जब प्रकट हुए तो खंबे बेटे तो भगवान का एक नाम हो गया काष्ठपुत्र, काष्ठपुत्र में ये काष्ठ भगवान है, वो काष्ठ भगवान कौन है कि जगन्नाथ गुरु के जगन्नाथ जी है, तो बहुत जिसकी जैसी जो रुचि हो सो तो नाम से तो कौन छोटा कौन बड़ा तो निज सर्वशक्ति सत्रार्थ भगवान ने एक एक नाम में अपनी पूरी पूरी शक्ति का और नियमित स्मरणे न काला सुबह लो कि शाम को लो कि कार्तिक में लो कि वैशाख में लो सोते लो कि बैठते लो पवित्र लो कि अपवित्र लो, अपवित्र होते भी भगवान का नाम लोगे तो पवित्र हो जाओगे। नियमित स्मरणे न काला गीता ऋषि तो कृपा भगवान की कृपा तो है, भगवान माफी दुर्दैव में दृशा हमारी बदकिस्मती क्या है, दुर्दैव हमारे बदकिस्मती
हमारी बदकिस्मती क्या है कि आपने तो अपनी ओर से इतना बरस दिया, लेकिन मेरा अनुराग नाम में नहीं, मेरा प्रेम नाम में नहीं हुआ, ये मेरी बदकिस्मती। उस लोग को तुमने कहा वो चैतन्य महाप्रभु का है, बहुत बढ़िया है। उसके दो दर्पण मार्गदर्शन से लेके आठ श्लोक से चैतन्य महाप्रभु को देखे बढ़िया निरंतर लगातार तो सब रखना। जब आप दूसरे की स्मृति न करना चाहते, करना चाहते हैं दूसरे की स्मृति, तो हर वक्त कैसे रहेगा? ये हमारा जो मतलब ये प्रेम तो करता रहे और स्मृति की बात पूछता रहे। स्मृति माने समृद्धि, दुनिया की ओर से मर जा, दुनिया की ओर से मर जा, बनकर भगवान की स्मृति रहे। और जब दुनिया में अपने को बनाए रखना चाहते हो तो बीच में अपने दोस्ती आ जाएगी, देखते रिश्तेदार किया जाएगी। ये तो अखबारों में छपता है, मासिक पत्रों में निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति, ये जीवन बात है। अब बात ये कि यदि नाम का कोई सच्चा प्रेमी आपको और उसका संग आपको कुछ नहीं, तो संग का भंग आप पर चलेगा और आप भगवान का नाम लेने लग जाएंगे और उससे हो जाएगा। अब ये कि हम जानबूझ करके दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की याद करते हैं और कहते हैं भगवान की याद नहीं बन गई, और बेटी बड़ बेटा तो भगवान में घुसे हुए हैं, धन दौलत तो भाग में घुसा हुआ है, और इज्जत कीर्ति प्रतिष्ठा कामिनी व्यंजन सब दिमाग में बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि निरंतर भगवान की याद कैसे रहे। तो पहले जिसको याद रहती है निरंतर उसका स्मरण करो, तो उसके ऊपर तुम्हारा कुछ कुछ तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। प्रेम तो करते हो तो हड्डी मान दाम गुस्सा मुक्त के पालिश पालसी चीज है ना, तो ऊपर से जैसे जूते पर पालिश करके चमका देते हैं ना, वैसे हड्डी मान दाम गुस्सा मुक्त पर पालिश करके उसको चमकाया गया है, जिसके भीतर मसाला बिल्कुल वही का वही है। ये तो महाराज सुनहरी पैकेज है पीतल, पीतल तो भूत प्रेत जो मसाला भेज देते हैं वही है। ईश्वर की कृपा से नाम के जो प्रेमी है संगति मिले और भगवान के जो प्रेमी है उसकी संगति मिले और उनकी स्मृति हो, तो थोड़ा जैसे जुआरी के समय से जुआ खेलना आ जाता है, शराबी के समय से शराब पीने लग गए हैं, वैसे नाम प्रेमियों के संग से भगवत प्रेमियों के संग से बिना सत्संग के जब जे जतन जहां भी जो जे जतन जहां जब पाई सो जानन सत्संग प्रभाव जो भेद सत्संगत मंगल। और सत्संग मिलने के लिए एक तो भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग मिलने के जब श्रवण दीन दयाल श्रमती साधु संगल पाई बिन हरि कृपा मिलेगी संता। लेकिन जो लोग इस बात पर छोड़ देते हैं कि जब कभी भगवान की कृपा हो तब सत्संग गरज है, वो कहते हैं हमको गरज नहीं है कोई, भगवान को गरज होगी तो हमको सत्संग मिलेगा। असल में इसके लिए जो दूसरा उपाय है वो सबसे बढ़िया है, पुण्य पुंज गुरु मिले पुण्य पुंज के बिना जब तक पुण्य नहीं करते तब तक संस्कृति प्राप्त नहीं होती। और पुण्य क्या है, तो पुण्य एक जन्म पूजा मन क्रम वचन गुरु के अनुरूप पूजा, ये ब्राह्मण भगवान को ब्राह्मण होते हैं
उनसे संत को शिक्षा देने के लिए और वे विद्वान सदाचारी पहचानते हैं ये सत्य ब्राह्मण सबसे प्रेम करेगा तो बता देगा कि बहुत बढ़िया संत आया है और यदि तुम नारायण कहते रहोगे कि अरे ये तो कैसा है कैसा है तो कभी नहीं बता रहेगा। इसलिए जो त्यागी महात्मा होते हैं वो ब्राह्मणों के घर में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं महापुरुष को ब्राह्मण विद्वान कह सकते हैं और पहचान करके बता देते हैं तो एक जगह पूजा मन क्रम वचन पूजा और पूर्ण पुण्य दिन मिले हिंद संता तो सब संगति संकल के कर अनुदान प्रश्न। एक बहन पूछती है सत्संग में जो संग शब्द है वह राग मूलक है या विराग मूलक। इसी प्रकार सर्वभूत हिते रता में रत शब्द प्रवृत्ति मूलक है या निवृत्ति मूलक। देखो सब जगह प्रवृत्ति और निवृत्ति एक साथ लगी रहती है। आप खोल के भगवान की मूर्ति को देखो तो मूर्ति देखने में तो आपकी प्रवृत्ति हुई लेकिन उस मूर्ति के सिवाय जो कुछ और है उससे निवृत्ति हो गई। आप बंद करो तो बाहर देखने से तो निवृत्ति हो गई और भीतर देखने से प्रवृत्ति हो गई। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये जीवन में बराबर चलती रहती है। उससे निवृत्त हुए वहां प्रवृत्त हुए उससे निवृत्त हुए वहां प्रवृत्त हुए भीतर 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 सबसे भीतर। जब आप निश्चित हो जाएंगे तब प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मा से निवृत्ति कभी होती नहीं है और प्रवृत्ति सबने छोड़ दी तो सब जगह प्रवृत्ति होती है और सब जगह निवृत्ति होती है। ये जो संग है वो दो संग है एक तो भगवान का संग और एक भगवान की भक्तों का। तो जैसे गोपियां हैं तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का संग प्राप्त है। संग माने होता है संगमन मन से संग का संस्कृत भाषा में संग माने साथ होना होता है आसक्ति प्रेय संग माने होता है। सत्संग माने संत से प्रीति जैसे ये प्रीति अपने आप से कल किसी सपना आज पढ़ कर उसमें शंकराचार्य ने लिखा है कि जैसे पर से प्रीति होती है वैसी गुरु से प्रीति होती है। पंडकार ने लिखा कि पर माने जैसे ईश्वर से प्रीति होती है वैसी गुरु से प्रीति होती है। हमको मैंने पूछा भाई क्या पढ़ के आया बताया कि टिप्पणी की बात कोई टिप्पणी सुना तो मैंने कहा कि भाई ये टिप्पणी गलत है भगवान से कैसा प्रयोग किया जाता है सुन रही है तो यहाँ पर शब्द का अर्थ है पुरुषां न परम से अपने आप से जैसा प्रेम होता है वैसा गुरु से प्रेम अंग्रेजी पढ़े लिखे करके विलायत में जाने आने वाले हैं। ये कभी कुछ माने कभी कुछ अपने प्रति जो प्रेम है वो जाना हुआ ऐसे ही प्रेम भगवान से हो जाए ऐसे ही प्रेम गुरु से हो जाए ऐसे ही प्रेम से हो जाए जैसा अपने आप से है क्योंकि जाने हुए का ही दृष्टांत होता है। तो गोपियों का सीधे भगवंत चरित्र है और नारायण साधारण लोग हैं वो संत से प्रेम करते हैं फिर धीरे धीरे जैसे किए कि एक लौ से दूसरी लौ जलती है वैसे संत के हृदय में जो प्रेम है वो संगी के हृदय में भी
प्रेम की लौ जल जाती है। तो सत्संग का अर्थ यहाँ प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ निवृत्ति है, आसक्ति है। ये जो हमारी आंख धोखा देती है, एक आदमी किसी की ओर देखा बड़े प्रेम से निकाल सकते, तो हमने कहा बाबा उसने प्रेम से प्राण लगा करके आंखनी में भेज के उसको क्यों देख रहा है। बोला देखने में कोई पाप है, देखने में क्या है। और महाराज दूसरे दिन पाप करने गया, तो मैंने कहा भाई पाप क्यों करता है, क्या पाप करने में कोई पाप लगता है। तो महाराज की तरह से छूने लगा, तो मैंने कहा भाई बोले क्या छूने में कोई पाप लगता है। हमने छोड़ दिया तुम्हारी जो करती हो, देखने में पाप नहीं है, बात करने में पाप नहीं है, सुनने में पाप नहीं है, तो क्या करने में पाप है। तो संस्कृत भाषा में संग का अर्थ बाहर से निवृत्त होकर भीतर की जो वृत्ति है उसका नाम सत्संग है। और वृत्ति जो है उसके लिए तो जस्ट आत्मरति देवत प्यार आत्म प्रदेश आत्मनिव संतुष्ट धन मिलने पर जैसा संतोष होता है, बढ़िया भोजन मिलने पर जैसी तृप्ति होती है, स्त्री पुरुष के मिलने पर जैसी गति होती है, वैसा आनंद सत्संग में माने लग जाए। देखो संसारी लोगों के लिए किसी को देखना, बात करना, सुनना, सब कुछ करना उनके लिए बुरा है, लेकिन जो त्यागी हैं, वैरागी हैं, जो भगवान की भक्ति अनुभव चाहते हैं, उनको तो ये सावधान रहना चाहिए ना कि उनकी प्रीति उनकी आसक्ति कहीं बाहर न रहे। लेकिन ये मनी राम ऐसे हमारा मानते हैं, इसलिए यह रति शब्द का अर्थ कामनी और कामी की रति नहीं है, भगवत रस। आज सवेरे अपना जहां पर देखते गंगा सागर में श्री बद्रवाचार्य जी का भगवान के दर्शन, तो भगवान ने आज्ञा की कि बल्लभ अब तुम शरीर छोड़ो, तो बद्रवाचार्य ने आपकी आज्ञा नहीं, क्यों ये शरीर रहेगा तो भगवत रस का अनुभव होता है। हम भगवत रस छोड़ के जिस शरीर से भगवत रस आ रहा है उसको क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। शिव भगवान ने बोले कि बल्लभ अब तो अपना खर्च छोड़ो, तो बस पर आपके पिता का अनुभव होता है, रखाता है, हम आपकी आज्ञा को भगवान ने कहा कि बल्लभ अब तुम संन्यास करना, बोलना हमारा देंगे, बाद में लिया सभी कुछ दिया, देव त्याग भी दिया, गोकुल त्याग भी दिया। तो बल्लभाचार्य जी कष्टाते कि भगवान की तीन आज्ञा मैंने क्यों नहीं माने, तो भगवत रस की लालसा अतिशय लालसातिशय होने के कारण उन्होंने तो ये रति है महाराज कि जहां भगवान की आज्ञा न मांग करके भी भगवत रस का आस्वादन करते हैं। तो धर्मशास्त्र में कर जैसे गर्मी पड़ रही हो और गुरु जी को पंखा चल रहा है और गुरु जी का बेटा अपना हाथ कट गया है, जागरण करो, अतर्क करो, पंखा करने की जरूरत नहीं, तो उस शिष्य को वो गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, उसको पंखा ही चलना चाहिए, पर गुरु की आज्ञा तो उल्लंघन में उसको पाप लगेगा, तो नहीं पाप लगेगा, उसकी तो सेवा में जो उसको भजा है सो आ रहा है। तो ये जो रति है, ये जो रस है, ये बहुत विलक्षण है,
जिसको एक बार इस तरह का अनुभव हो गया वो बंदा जिसमें ऐसा टूट जाता है कि ये बाहर की मीठी मीठी आवाज है, ये तीर मारने वाली सौहें और ये तिरछी चितवन, ये मंद मुस्कान, ये सब दिल पर खो भगवान की गली में आने पर तो दिल ही खो जाता है। धीरे गली में आ